अध्यक्ष श्रीमान नीलमल कुमार सुराना जी, जिला के अध्यक्ष श्रीमान सीपी उमेश जी, यहाँ की लोकप्रिय सांसद श्रीमती सुमलता अम्बरीश जी, माननीय सांसद श्री प्रताप सिन्हा जी, कर्नाटक सरकार के हायर एजुकेशन के मिनिस्टर डॉक्टर अश्वथ नारायण जी, खेल एवं बागवानी विभाग के मंत्री डॉक्टर नारायण गौड़ा जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रत्याशीगण श्री अशोक जयराम जी, श्री एस पी स्वामी जी, श्री सचिदानंद जी, श्री मुनि राजो जी, श्री इंद्रेश जी, श्रीमती सुधा शिवराम गौड़ा जी, श्री जगदीश हिरमानी जी, और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी उपस्थित भाइयों बहनों, मांडिया जिले के आप सभी उपस्थित उत्साही कार्यकर्ताओं का मैं उत्तर प्रदेश की धरती से यहां आकर के हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, आज मुझे यहां मांडिया जिले में आकर के आप सबसे संवाद करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए कर्नाटक इकाई का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक इकाई ने इस चुनाव में मुझे भी आमंत्रित किया और मैं आपके बीच में आकर के आपका दर्शन कर सकूं, आपसे संवाद कर सकूं और आपसे अपील भी कर सकूं और आपको आमंत्रित भी कर सकूं। उत्तर प्रदेश और कर्नाटक का संबंध आज से नहीं, त्रेता युग से है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के वनवास के सबसे अभिन्न सहयोगी के रूप में कोई मिला था तो बजरंग बली हनुमान जी मिले थे, इसी कर्नाटक की धरती में उनका जन्म हुआ। और इसीलिए आप देखते होंगे ये मित्रता कितनी अभिन्न है, कितनी अभिन्न मित्रता है। और ये भक्त और स्वामी का संबंध किस प्रकार से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, दुनिया में जहां कहीं भी भगवान राम का मंदिर होगा वहां हनुमान जी का मंदिर जरूर होगा। और ये संबंधों की व्यवस्था केवल वहीं से नहीं, मैंने यहां पर पहले कहा कि आदि चुनचुनगिरी मठ यहां पर स्थित है, भैरेश्वर स्वामी जी महाराज वहां पर विराजमान है, मंजुनाथम ही गोरक्षम, भगवान मंजुनाथ और भैरेश्वर एक साथ यहां पर प्रकट होते हैं। कर्नाटक वही धरती है और उतना ही पुराना संबंध यह उत्तर प्रदेश और कर्नाटक का है। और इसीलिए जब मैं यहां पर आता हूं तो एक आत्मीयता का भाव मेरे मन में पैदा होता है। और कर्नाटक के आप सभी युवा मित्रों के साथ, यहां के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद बनाने में, उनसे मिलने में मुझे उतनी ही प्रसन्नता होती है। मैं अभिनंदन करूंगा श्री नारायण गौड़ा जी का, जिन्होंने यहां पर मांडिया कुंभ का आयोजन किया था। मित्रों, उस समय मुझे उस कार्यक्रम में आना था, लेकिन उत्तर प्रदेश में बहुत फ्लड की सिचुएशन अनकंट्रोल होती जा रही थी, इसलिए मुझे वहां रुकना पड़ा था, अन्यथा मेरा आने का कार्यक्रम था यहां पर। और
अद्भुत कार्यक्रम हुआ था, मैंने सुना था। हजारों की संख्या में पूज्य संतजन आए थे, भक्तजन आए थे। हमारी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक इन तीर्थों को पुनर्जीवित करने का एक आयोजन था और यह प्रधानमंत्री मोदी जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने का भी एक माध्यम था। यह आध्यात्मिक आयोजन ही एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करते हैं। आपने पिछले 9 वर्षों के दौरान भारत को बदलते हुए देखा है। आज भारत दुनिया के अंदर जहां कहीं भी भारत का नागरिक जाता है, आज वो सम्मान की दृष्टि देखा जाता है। आज भारत दुनिया की एक ताकत बन रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में जिस ब्रिटेन ने भारत को 200 वर्षों तक शासन किया था, आपने देखा होगा उस ब्रिटेन को पिछाड़ करके भारत आज दुनिया की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। और यही नहीं, आजादी के अमृत काल के प्रथम वर्ष में दुनिया के 20 बड़े देश G20 के देशों का नेतृत्व भी भारत के हाथों में आया है। ये भारत के सामर्थ्य और भारत की शक्ति का परिचय और भारत की आप जैसी प्रतिभाओं का परिचय वैश्विक मंच पर देता है। मित्रों, जब कर्नाटक की बात आती है तो वैश्विक मंच पर कर्नाटक ने आईटी के सेक्टर में जो धाग जमाई है भारत की युवा प्रतिभाओं को दुनिया के अंदर, कर्नाटक ने बेंगलुरु का उसका सबसे बड़े हब के रूप में स्थापित किया है। ये बेंगलुरु का आईटी के सबसे बड़े हब के रूप में स्थापित होना ये साबित करता है कि हमारे पास सामर्थ्य है, हमारे पास शक्ति है, हमारे पास सब कुछ है। लेकिन 2014 के पहले नेतृत्व नहीं था, 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व मिला। आज भारत की सामर्थ्य वैश्विक मंच पर दिखाई दे रही है और इसीलिए आज आपने देखा होगा कांग्रेस विकास की बात करती है, विकास की बातें करती है, बड़ी बड़ी बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन विकास की उसकी हकीकत क्या थी? पंचवर्षीय योजना। एक प्रोजेक्ट बनता था, एक पंचवर्षीय योजना लग जाती थी, अगली पंचवर्षीय योजना में उसका शिलान्यास होता था, तीसरी पंचवर्षीय योजना में कार्य आवंटन होता था, चौथी पंचवर्षीय आज प्रारंभ होते ही फिर वह प्रोजेक्ट दम तोड़ देता था और प्रोजेक्ट कभी पूरा नहीं होता था। यह कांग्रेस की असलियत थी। आज आप देख रहे होंगे रेलवे के कार्य हो रहे हैं, एयरपोर्ट के कार्य हो रहे हैं, आईआईटी और आईएम बन रहे हैं, कहीं आईटी सिटी बन रही है, कहीं पर किसी अन्य सेक्टर में कार्य हो रहा है और कार्य का शिलान्यास जिस दिन होता है उसके उद्घाटन की तिथि भी उसी दिन तय हो जाती है। प्रधानमंत्री मोदी जी शिलान्यास भी करते हैं तो उद्घाटन करने के लिए भी आते हैं। भाइयों बहनों, आज एक तस्वीर बदली है, हर एक सेक्टर में कुछ न कुछ परिवर्तन हुआ है और वो परिवर्तन आपने देखा होगा कैसे भारत एक कृषि प्रधान, बचपन से सुनते रहे हैं भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन कृषि प्रधान देश ने पिछली हुकूमत में किया क्या था, पिछली हुकूमत में किन हमारे किसानों के लिए क्या किया था। और कर्नाटक में इसका जीता जागता उदाहरण है, लंबे समय तक यहां के किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा था, यहां की माताएं यहां की बहनें खेती किसानों के हाथों खेती किसानी में अपना हाथ सहयोग के रूप में लगाती हैं, लेकिन किसान के हाथ में मिलता क्या था, उसे सम्मान नहीं मिला। पहली बार प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि देकर के देश के किसानों का सम्मान किया है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से किसानों को सम्मान दिया है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से किसानों को सम्मान दिया है, एमएसपी का लाभ देकर के किसानों को सम्मान दिया है, एग्रीकल्चर के बजट को 5 गुना बढ़ाया है,
एग्रीकल्चर के सेक्टर में यह परिवर्तन भी आज हम सबको देखने को मिलता है। और भाइयों बहनों, रही बात, लोग मुझसे पूछते हैं कि उत्तर प्रदेश में आपको इतना सम्मान जनता क्यों देती है। मैंने कहा जनता इसलिए देती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार की सामर्थ्य और शक्ति का प्रदर्शन वहां पर मजबूती के साथ होता है। वहां पर सुरक्षा की गारंटी है, वहां पे समृद्धि की गारंटी है, नो कर्फ्यू, नो दंगा, और वहां पर है सब चंगा। पिछले 6 वर्ष में उत्तर प्रदेश के अंदर कोई दंगा नहीं हुआ, कोई कर्फ्यू नहीं लगा, विकास की स्पीड बढ़ी है। और मैं डबल इंजन की सरकार का भी अभिनंदन करूंगा कि पीएफआई जैसे संगठनों को बैन करके उसकी कमर को तोड़ने का कार्य भी कर्नाटक के अंदर हुआ है। आप सोचिए, एक और डबल इंजन की सरकार जो पीएफआई पे बैन करके पीएफआई को बैन करती है, और दूसरी तरफ कांग्रेस जो पीएफआई को तुष्टीकरण करने का कार्य करती है, उन्हें धर्म के आधार पर रिजर्वेशन देने का कार्य करती है, धर्म के आधार पर आरक्षण यह भारत के संविधान के विपरीत है, असंवैधानिक है। हमने अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण के दायरे को बढ़ाया है, दिव्यांग जनों के आरक्षण के दायरे को बढ़ाया है, अन्य जरूरतमंदों को आरक्षण का लाभ दिया है। लेकिन धर्म के आधार पर 1947 में भारत का विभाजन हो चुका है। भारत धर्म के आधार पर आरक्षण की वकालत नहीं कर सकता है, अन्य विभाजन के लिए हम तैयार नहीं है। यह भारतीय जनता पार्टी का मानना है, क्योंकि हम सब मानते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना ही भारत को आगे बढ़ाएगी। और भारत की इस परिकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए आज हम सब आपके पास आए हैं। मित्रों, डबल इंजन की सरकार की सामर्थ्य ही है आज विकास हर एक स्तर पर देखने को मिलता है। हर एक स्तर पर हमें डेवलपमेंट के कार्य देखने को मिलते हैं। हम तुष्टीकरण नहीं, हम सशक्तिकरण पर विश्वास करते हैं। हमने किसान की कनेक्टिविटी और किसान की प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाने का कार्य किया है। आज युवाओं के लिए न केवल कर्नाटक की गवर्नमेंट ने बेहतरीन कार्य किया है, चाहे यहां पर येदियुरप्पा जी रहे हो, चाहे वर्तमान में बोम्मई जी के नेतृत्व में हो रहे कार्य हो, कर्नाटक के अंदर तेजी के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को मजबूती के साथ उतारने वाले राज्यों में कर्नाटक एक राज्य है जिसने सबसे पहले से लागू करने का कार्य किया है। ये यूथ के लिए कंटेन भी देता है, यूथ को अनेक कार्यक्रमों के साथ भी जोड़ता है, यूथ को टेक्नोलॉजी के साथ भी जोड़ता है, और यूथ को एक नई अपॉर्चुनिटी के साथ आगे बढ़ने के लिए भी प्रेरित करता है। और मैं अभिनंदन करूंगा कर्नाटक गवर्नमेंट का, जिन्होंने समय से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू करके आज कर्नाटक के युवाओं के लिए ढेर सारे अवसर उपलब्ध करवाए हैं। ये ढेर सारे अवसर यहां की आवश्यकता थी, और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं आपसे अपील करने के लिए। भाइयों बहनों, डबल इंजन की सरकार ही सुरक्षा की गारंटी दे सकती है, ये डबल इंजन की सरकार ही समृद्धि की गारंटी दे सकती है, ये डबल इंजन की सरकार ही हम सबको एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना के साथ जोड़ करके श्री राम और श्री हनुमान जी की मित्रता के उस बंधन को मजबूती प्रदान कर सकती है। और उसी सामर्थ्य को आगे बढ़ाने के लिए आज मैं अपील करने के लिए आया हूं। एक और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत एक टीम इंडिया के रूप में कार्य कर रही है। टीम इंडिया के कैप्टन के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व मिल रहा है। और एक कर्नाटक को चाहिए कि टीम इंडिया में हमारे कितने प्लेयर शामिल हो,
यह कर्नाटक की टीम को तय करना है, कर्नाटक की जनता को तय करना है। जितने अधिक प्लेयर होंगे, जितने अधिक सीट भाजपा के पक्ष में जाएगी, टीम इंडिया में उतना ही सशक्त नेतृत्व भी मिलेगा और टीम इंडिया उतनी मजबूती के साथ डबल इंजन की सरकार के रूप में कार्य करेगी। कांग्रेस का फेल्ड इंजन भारत को त्रासदी की ओर लेके जाता है, लेकिन डबल इंजन की भाजपा की सरकार हमें सुरक्षा और समृद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ाने का कार्य करती है। और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत जिस सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ रहा है, एक टीम इंडिया के रूप में, एक कैप्टन के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व पर हर भारतवासी गौरव की अनुभूति करता है। उस गौरव की अनुभूति के साथ जोड़ने के लिए मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। भारतीय जनता पार्टी ने मांडिया जनपद में, आपने यहां पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी का चुनाव जिता करके भेजा, मैं आपका अभिनंदन करता हूं। आपने एमएलए के रूप में भी यहां शुरुआत की थी और अब मैं आया हूं यहां पर, इन सभी सीटों पर कमल चुनाव चिन्ह को खिला दीजिए, कमल के सिंबल को एक बार चुनाव जिता करके भेज दीजिए। भाइयों बहनों, मांडिया अपनी समृद्धि के लिए विख्यात था, धन धान्य के लिए समृद्ध था, कृषि के लिए, वानिकी के लिए विख्यात था। फिर से मांडिया के इस गौरव को पुनर्स्थापित करना है, कर्नाटक के इस गौरव को फिर से स्थापित करना है। कर्नाटक विकास की दूरी के साथ देश को जिस प्रकार से एक स्पीड देता है, उस स्पीड के साथ हम सब जुड़कर के कार्य करेंगे। और अंत में मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं, आप यहां पर डबल इंजन की सरकार फिर से लाने में मदद करिए। और मैं आपको आमंत्रित करने के लिए आया हूं, भाइयों बहनों, आपने श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में योगदान किया था, अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, जनवरी 2024 में मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो चुका होगा और प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से मंदिर का रामलीला विराजमान अपने भव्य मंदिर में होंगे। 500 वर्षों में पहली बार होगा जब प्रभु राम अपने स्वयं के मंदिर में विराजमान होंगे। भाइयों बहनों, हर भारतवासी के लिए ये गौरव की बात होगी। और मैं आप सभी बजरंगबली के अनुयायियों को आमंत्रित करने के लिए आया हूं, प्रभु राम के मंदिर में रामलला के विराजमान होने के शुभ अवसर पर मैं आपके स्वागत की उत्सुकता से वहां तैयारी कर रहा हूं। मुझे प्रसन्नता होगी आप उस समय डबल इंजन की सरकार के साथ मिलकर के कार्य करेंगे। कर्नाटक सरकार ने, बोमई जी ने कहा था कि कर्नाटक के लोगों के लिए एक अच्छा गेस्ट हाउस बनाना है, हमें स्टेट गेस्ट हाउस बनाना है। अयोध्या में हमने जमीन आवंटित कर दी है, कर्नाटक गवर्नमेंट को जमीन आवंटित कर दी है, अब आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। मैं तो वहां स्वागत के लिए हुई, लेकिन साथ साथ कर्नाटक गवर्नमेंट का भी वहां एक